सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। जंगे मौता क्या है, मुल्क के शाम के रूमी यानी रूमी 1 लाख रूमियों से 3,000 मुसलमान लड़े। गौर करना, यही तो बात है मुसलमानों, ये जो करबला और ये दास्ताने करबला या सहाबा और अहले बैत की कुर्बानियां बयान नहीं होती या आप नहीं सुनते, उसकी वजह क्या है कि आपको बुज़दिल बनाने की कोशिश की जाती है। लोगों को पता है जिस दिन बद्र, उहुद, खंदक, खैबर, करबला की सच्चाइयां बयान हो जाए उस दिन मुसलमानों का बच्चा बच्चा शेर दिल होगा और वो अपने बालों में उंगलियां डाल करके बाल संवारने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि वो अपने नाखूने तदबीर से उम्मत की तकदीर को संवारने की सही पहम करेगा। अल्लाह अकबर। जंगे मौता में 1 लाख लोग हैं, रूमी 1 लाख है और मुसलमान सिर्फ 3,000 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जंग की खसूसियत ये है कि इस जंग के अंदर अल्लाह के रसूल ने जब परचम दिया जिसको अलम कहते हैं अरबी में, उस परचम को अलम कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का लश्कर कहीं भी बगैर अलम के नहीं जाता था, बगैर परचम के नहीं जाता था। अल्लाह अकबर। अलम रसूल, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा के हाथ में दिया, फिर फरमाया अगर अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा शहीद हो जाएं तो फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने परचम जैद बिन हारसा के हाथ में दिया, फरमाया जैद शहीद हो जाएं तो अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा के हाथ में परचम होगा, अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा शहीद हो जाए तो जाफर के हाथ में परचम होगा, जाफर इब्ने अबू तालिब के हाथ में परचम होगा और जब जाफर भी शहीद हो जाए तो फिर अल्लाह जिसे चाहेगा परचम उसके हाथ में होगा। 1 लाख रूमियों के मुकाबले में 3,000 मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम डटे और उनके कायद थे हजरत जैद बिन हारिसा। अल्लाह अकबर। जब वो जंग हो रही थी, जब वो जंग हो रही थी उस जंग के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पर्दे उठा दिए और हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाहों के सामने जंग का मंजर था। हुजूर अपनी मस्जिद में बैठ के सहाबा को बता रहे थे कि अल्लाह के शेर जो है वो उन लूमी लोमड़ियों से जो है वो उलझे हैं और फरमाया जैद बिन हारसा शहीद हो गए और ये कहकर हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और फिर फरमाया अब अल्लाह का परचम, दीन का परचम अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा के हाथ में है। फिर थोड़ी देर के बाद फरमाया अब्दुल्लाह भी शहीद हो गए। फिर फरमाया अब इस्लाम का परचम, अल्लाह अकबर, जाफर के हाथ में है। ये जाफर कौन है? मौला अली के सगे भाई हैं, जिनको हम जाफरे तैयार कहते हैं। ये जाफरे तैयार नाम याद रखना, उन्हीं जाफरे तैयार के बेटे अब्दुल्ला हैं, उन्हीं अब्दुल्ला के बेटे औनो मोहम्मद हैं, जिन्होंने करबला में कुर्बानी दी है, जो आप इमाम हुसैन के भांजों के हवाले से, सैयदा जैनब के शहजादों के हवाले से हजरत औनो मोहम्मद की कुर्बानी सुनते हैं। ये हजरते जाफरे तैयार के पोते हैं और जाफरे तैयार के बेटे अब्दुल्ला हैं। ये अब्दुल्ला भतीजे भी हैं मौला अली के और साथ ही साथ दामाद भी हैं मौला अली के, सैयदा ज़ैनब के शोहर नामदार हैं। अल्लाह अकबर। तो जाफर तैयार के हाथ में जिस वक्त परचम आया तो हजरत जाफर बेजिगरी से लड़े, पहले दो जियानों ने भी बेजिगरी से लड़ा और खूब उन रूमियों को धूल चटाया, लेकिन हजरत जाफर तैयार ने जब तलवार चलानी शुरू की तो हजरत जाफर का एक बाजू शहीद कर दिया गया। जब एक बाजू टूट गया, शहीद हो गया, तो हजरत जाफर ने दूसरे हाथ में परचम लिया, इस्लाम का परचम गिरने न दिया। याद रखना ऐ मेरी कौम के जवानों, जो बड़ी आसानी के हम लोग दीन, शरीयत, मजहब, मसलक का सौदा करने की बात करते हैं, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, तो ये इतनी आसानी के साथ दीन हम तक नहीं पहुंचा। दीन इतनी आसानी के साथ अपने घरों में हमने जो यहूद और नसारा का माहौल बना रखा है, घरों के अंदर जो फिल्म और सीरियलों के नाम पर कुफ्रिया शिरकिया कलिमात बके जाते हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल तो पाबंदी से भेजते हैं, भेजना भी चाहिए, लेकिन मदरसे के हवाले से हमें उतना ख्याल नहीं होता। हम अपने बच्चों
को डॉक्टर बनाने का ख्याल तो करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन हम अपने बच्चों को आलिम दीन हाफिज कुरान बनाने की कोशिश नहीं करते। जरा गौर करें कितनी मेहनतें हैं। यकीन जाने बहुत जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अगर आज पूरी दुनिया में कलेमा पढ़ा जा रहा है तो कितनी सुहागने बेवा हुई है, कितने बच्चे यतीम हुए हैं और कितने नौजवानों ने जामे शहादत नोश किया है, तब कहीं जा करके इस्लाम हमारे घर तक पहुंचा है। इस्लाम की नाकदरी करके अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, कल खुदा की अदालत में खड़े रहोगे तो क्या जवाब दोगे? मस्जिदों को वीरान करके, अल्लाह अकबर, गुनाहों के अड्डों को आबाद करके, जराइम के अड्डों को आबाद करके अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? वो कितनी सुहागने बेवा हुई है, जरा सोचो तो सही, कितने छोटे छोटे बच्चे यतीम हुए हैं, जरा सोचो तो सही, कितने जवानों की लाशें खाको खून में तड़पी है, कैसी खून की नदियां बही है, तब कहीं जाकर के दीन फैला है। जाफर तैयार का एक बाजू कटा, दूसरे हाथ में परचम लिया, दूसरा बाजू कटा तो आपने अपने बाजुओं से परचम को थाम लिया, उसके बाद सीने में तीर चला, सर पे तीर चला, तो हजरत जाफर जो है वो जमीन की तरफ आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ी शरीफ आंसुओं से तर थी, फरमाया मेरा भाई जाफर तैयार भी जामे शहादत नोश कर गया। ये जाफर को तैयार क्यों कहते हैं? इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं, जालिमों ने जाफर के दोनों बाजू काट दिए, बाजू कटे, अल्लाह ने जाफर को जन्नत में दो पर अता किए, उन परों की वजह से वो फरिश्तों के साथ उड़ते हैं, इसलिए उनको जाफर तैयार कहते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, फिर आका ने फरमाया अब अल्लाह का परचम, दीन का परचम, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के हाथ में आ गया है, और फिर फरमाया उसने बड़ी जो है वो दानाई के साथ अल्लाह के बंदों को दुश्मन के नरगे से निकाल लिया। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया लोगों चलो हम जाफर की बेवा की ताजियत करते हैं। और फिर हजरत सैयदा अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर आए, आका अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, सलाम करने के बाद फरमाया अस्मा जाफर के बच्चे कहाँ है? तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अस्मा बिनते उमैस ने जाफर के शहजादों को शहजादियों को पेश किया, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनके सर पे हाथ फेरा, उनको प्यार किया, तो हजरत अस्मा पुकार उठी या रसूल अल्लाह इस तरह का प्यार तो यतीमों के साथ किया जाता है, क्या जाफर की शहादत की खबर आ गई है, क्या जाफर शहीद हो गए हैं? अल्लाह अकबर, मेरे आका ने फरमाया अस्मा सब्र करो, जाफर की शहादत की खबर आ चुकी है, जाफर शहीद हो चुके हैं। अल्लाह अकबर, हजरत अस्मा रो रो पड़ी और कहा इन बच्चों का यतीमों का कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया जाफर के यतीम बच्चों का वाली मैं हूं, इनका निगहबान मैं हूं। अल्लाह अकबर, हजरत जाफर तैयार की शहादत पर सैयदा फातिमा जहरा भी खूब रोई, बल्कि आका अलैहि सलाम ने फरमाया जाफर की शहादत पर रोने वाले यूं रोते हैं। फिर उसके बाद ये जंग मौता थी अल्लाह अकबर, जो मुल्क शाम में रोमियों से लड़ी गई।